नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं महबूब देश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विश्लेषण। न शोर शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात शिवपाल के मुलायम संदेश की, जिसने अखिलेश यादव को धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। अब यशवंत सिन्हा के 25 साल पुराने उस बयान का जिक्र करते हुए शिवपाल ने एक चिट्ठी अखिलेश यादव को लिख दी है, जिसमें कहा है कि जिस व्यक्ति ने मुलायम सिंह यादव को कभी ISI का एजेंट बताया था, उन्हें उस शख्स का समर्थन करने से पहले सोचना चाहिए। शिवपाल की चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब राष्ट्रपति चुनाव में 2 दिन बचे। शिवपाल का संदेश, धर्म संकट में फंसे अखिलेश। जिसने की थी मुलायम पर चोट, अखिलेश देंगे उसी को वो। केशव के बाद चाचा का अटैक, अखिलेश कैसे करेंगे बैक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूं तो पूरे देश की सियासत गर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा पारा यूपी का चढ़ा है, जहां शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखकर ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया कि अखिलेश से जवाब देते नहीं बन रहा। क्योंकि एक दिन पहले जिस तस्वीर को ट्वीट करते हुए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था, अब उसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के नाम खुला पत्र लिख दिया है और यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के फैसले पर फिर से सोचने को कहा है। शिवपाल यादव जो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखी है, उस चिट्ठी को ट्वीट किया है और चिट्ठी में साफ तौर पर ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी को एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो समाजवादी विचारधारा का हो। समाजवादी पार्टी को वो व्यक्ति मिला जिसने कभी मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी को लेकर ऐसे बयान दिए थे। साफ तौर पर ये कहा है कि जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं उनके बारे में जिसने कभी ऐसा बयान दिया था, जिस पर कभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो आग बबूला हो जाते थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव से साफ तौर पर कहा है कि वो अपने फैसले पर विचार करें। शिवपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भावुक अपील भी की है, जिसमें लिखा है कि कभी नेताजी को कुछ कहने पर जो समाजवादी आग बबूला हो जाते थे, अब उनकी विरासत संभालने वाले एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसने कभी नेताजी का अपमान किया था। आपको बता दें कि जिस बयान का जिक्र शिवपाल यादव ने किया वो 15 जनवरी 1997 में एक अंग्रेजी अखबार में छपी है। तब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। उस वक्त यशवंत सिन्हा ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह यादव ISI के एजेंट है। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि इस संबंध में PMO में एक फाइल भी मौजूद है। उन्होंने तत्कालीन PM HD देवगौड़ा से इस फाइल को देखने और एक्शन लेने की मांग की थी। अब इसी बयान पर 25 साल के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि शिवपाल यादव से पहले यूपी के डिप्टी CM निशाना साध चुके हैं। दरअसल यूपी में अखिलेश यादव खुलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे, जबकि दूसरे दलों की बात करें तो ज्यादातर दल NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में सवाल बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव अपना स्टैंड बदलेंगे या फिर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि अब राष्ट्रपति चुनाव में चंद घंटे बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो चलिए अब समीकरण आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त वोटों की स्थिति क्या है। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो कौन समर्थन कर रहा है, कितने वोटों के साथ, ये समझना जरूरी है। तो भाजपा की बात करते हैं, क्योंकि भाजपा की ही उम्मीदवार है, हालांकि NDA के साझा उम्मीदवार हैं। भाजपा की बात करें, साथ है भाजपा 116,740 वोट। अपना दल SB आ गई है अनुप्रिया पटेल की, तो उनका वोट है 3,806
96, निषाद पार्टी 1248 वोट, बसपा ने भी समर्थन किया है, इनका भी 7908 वोट है। सुभाषपा भी अब खेमे में आ गई है अखिलेश यादव को छोड़कर, 1248 वोट जनसत्ता दल के, 416 वोट और शिवपाल यादव के 208 वोट हैं। तो ये समीकरण है द्रौपदी मुर्मू का। और अब यशवंत सिन्हा के साथ कौन, देखिए बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अकेले पड़ गए हैं, सपा रालोद और कांग्रेस बस तीन ही साथ बचे हैं। सपा के 28,480 वोट, रालोद के 1664 वोट और कांग्रेस के केवल 1116 वोट। तो कुल मिलाकर 31,260 वोटों का जुगाड़ ही उत्तर प्रदेश से यशवंत सिन्हा का हो पाया है। तो यहां पर स्थिति खराब है और ये इसलिए गंभीर है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा वोट है। विश्लेषण में अब बात करते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे पर सियासत की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन करके जहां बुंदेलखंड के विकास में उड़ान के नए पंख लगाए, वही वोट के लिए फ्री वाली रेवड़ी पर जमकर हमला बोला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर सियासत गर्म हो गई क्योंकि सवाल फ्री का है, जिसको लेकर अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया। फ्री रेवड़ी पर महाभारत, गर्म हुई सियासत। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। शानदार शिक्षा दे रहा हूँ लेकिन फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? नींव रख रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं। फ्री देने की आदत देश के लिए घातक। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी, जिससे यूपी के एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़कर 1200 किलोमीटर तक फैल गया है और यूपी देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर पीएम मोदी ने फ्री वाली पॉलिटिक्स पर बड़ी बात कह दी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। दरअसल वोट पाने के लिए जिस तरह से फ्री की रेवड़ी दी जाती है, उसे पीएम मोदी ने देश के लिए घातक बताते हुए उन सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए फ्री देने का वादा किया था। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश की सियासत गर्म है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां इस ट्वीट पर पलटवार किया, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग देश में मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से देशवासियों को और खासकर युवाओं को सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोग देश को एक्सप्रेसवे नहीं दे सकते। इसके बाद सियासी उबाल आ गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर अभियान चलाकर थैंक यू बोलने वाले लोग अब इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर वो युवाओं को रोजगार दें तो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्री वाली रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स वाकई खतरनाक है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है सबसे पहले बात फ्री और फ्री देने की ही होती है। यूपी विधानसभा चुनाव में फ्री देने की मानो होड़ मच गई थी, किसी ने फ्री बिजली का वादा किया तो किसी ने फ्री सिलेंडर का,
किसी ने स्कूटी देने की बात कही तो किसी ने पेट्रोल, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि इस पर कितना खर्च होगा, क्योंकि आम तौर पर 500 रुपए या 1000 रुपए देने का खर्च हजारों करोड़ में आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें सिर्फ एक दल ही शामिल है या फिर चुनाव जीतने के लिए ये चलन हो गया है, क्योंकि सच तो ये है कि इससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां कुछ ना कुछ फ्री ना दिया जा रहा हो। अब सवाल इस बात का है कि क्या पीएम मोदी के बयान के बाद फ्री वाला कल्चर खत्म होगा या फिर चुनाव आते ही एक और नया फ्री वाला वादा आ जाएगा, क्योंकि इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रेवड़ी पर सियासत जरूर चल रही है, लेकिन रेवड़ी बांटते सब हैं, सत्य ये भी है। तो किस राज्य में कितनी रेवड़ी बट रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के, क्योंकि पहला रिएक्शन यहीं से आया है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, बस में महिलाओं की यात्रा फ्री है, और रेवड़ी बांटने के मामले में दिल्ली के बाद पंजाब भी पीछे नहीं। वही सरकार है आम आदमी पार्टी की, 300 यूनिट बिजली फ्री है, पुराने बकाया बिल भी माफ कर दिए गए, 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए महीना देने का ऐलान यहां पर किया गया। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को 1000 रुपए महीना मिल रहा है, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए महीना मिल रहा है, 5,00,000 रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की। लाडली लक्ष्मी योजना लंबे समय से चल रही है, इसके तहत 5 साल तक 6,000 रुपए की मदद मिलती है और 30,000 रुपए खाते में जमा होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, बेसहारा महिलाओं को 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है, 3 तलाक पीड़िता को सालाना 6,000 की मदद की जा रही है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त, बुजुर्ग महिलाओं के लिए सरकारी बस में यात्रा भी मुफ्त दी गई। तमिलनाडु भी पीछे नहीं है, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है, राशन कार्ड धारकों को 4,000 रुपए की मदद। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात कर लें तो लड़की की शादी पर 1,00,000 की मदद सरकार देती है, एकड़ के हिसाब से 4,000 हर फसल पर। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो सीनियर सिटीजन को 2,250 रुपए हर महीने सरकार दे रही है और किसानों को 13,500 रुपए सालाना। तो रेवड़ी हर राज्य में बट रही है और इसीलिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अब विश्लेषण में बात बुंदेलखंड की बुलंद हुंकार की, क्योंकि 28 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार बुंदेलखंड को पहला और यूपी को 4था एक्सप्रेसवे मिल गया है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से इटावा की दूरी महज 6 घंटे की होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने भरी हुंकार, विकास के पथ पर यूपी तैयार। 6 घंटे में चित्रकूट से इटावा, एक झटके में बदल गई हवा। 16 जुलाई की तारीख बुंदेलखंड के लिए किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि जिस सपने को पूरे बुंदेलखंड ने देखा था वो पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जालौन से जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो चित्रकूट से इटावा की दूरी महज 6 घंटों में सिमट गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कई गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जहां वाहनों को गति देगा, वहीं पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति में नई जान फूंक देगा। यही वजह थी कि जब पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो सीएम योगी की जमकर तारीफ। लेकिन पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी को बुंदेलखंड में यूरोप जैसे टूरिज्म को सेट करने का टारगेट दे दिया। ऐसे ही काम से हर देशवासी को एहसास होता है कि जिस भावना से उसने अपना वोट दिया उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। मैं इसके लिए योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं।
दरअसल बुंदेलखंड की गिनती यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में होती थी, लेकिन सीएम योगी ने इसकी तस्वीर बदल दी। और जब बारी सीएम योगी के बोलने की आई तो वो बुंदेलखंड के लोगों को भरोसा देते नजर आए कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। लेकिन जिस बुंदेलखंड के दम पर पीएम मोदी और सीएम योगी पूरे उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव उसके अधूरे काम पर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव ने इसका एक वीडियो ट्वीट किया तो सियासत भी गर्म हो गई। नरेंद्र मोदी ने आज योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही है, लेकिन इसी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है। इसका डिज़ाइन चलताऊ है और डिफेंस कॉरिडोर जिसके पास ही है वहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह हवाई पट्टी ना बनाया जाना भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में बड़े सवाल अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए उठा दिए हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी चित्रकूट से इटावा तक है, जिसे भविष्य में दिल्ली तक ले जाने की योजना है, जिसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और बुंदेलखंड की धरती भले ही दूसरे दलों के लिए बंजर रही हो, लेकिन भाजपा के लिए हमेशा उपजाऊ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चलिए, राजनीति हो रही एक्सप्रेसवे पर, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में नेटवर्क किस तरीके से बड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में 1200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क हो गया है। बात करें हम तो यमुना एक्सप्रेसवे बना, 165 किलोमीटर का है, ये नोएडा से आगरा को जोड़ता है। इसके बाद बारी आती है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, 302 किलोमीटर का है, ये आगरा को लखनऊ से जोड़ देता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें, 96 किलोमीटर, ये दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, ये लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका लोकार्पण हो गया, 296 किलोमीटर की दूरी है, ये चित्रकूट से इटावा तक को जोड़ता है। तो ये पूरा नेटवर्क है और गंगा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। वहीं बात करते हैं, रिहाई के बाद भी नहीं राहत, पुराने केस में नहीं आफत, क्योंकि आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा, जबकि इससे पहले ईडी कई दौर की पूछताछ आजम से कर चुकी है और तजीन फातिमा की पूछताछ बाकी है। इसलिए हमने लिख दिया कि रिहाई के बाद भी राहत नहीं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का केस, एमपीएमएलए कोर्ट में आजम और अब्दुल्ला पेश। रिहाई के बाद भी नहीं मिली राहत, पुराने केस बने आफत। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। करीब 27 महीने सीतापुर की जेल में गुजारने के बाद आजम खान को रिहाई तो मिल गई, लेकिन राहत नहीं मिली। आजम खान का हर दूसरा तीसरा दिन रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में गुजर रहा और अब फिर दो जन प्रमाण पत्र और डूंगरपुर मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। दस्तखत किए थे, इकबाल ने जुर्म नहीं किया, क्योंकि जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करेगा। दस्तखत किए थे, इकबाल ने जुर्म नहीं किया, क्योंकि जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करेगा। इससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अब्दुल्ला आजम से कई दिनों तक ईडी ने पूछताछ की थी, जबकि तजीन फातिमा से पूछताछ अभी बाकी है। मतलब एकदम सीधा है, आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। वहीं एक सवाल आजम खान की सियासत का भी है, क्योंकि आजम खान की अग्नि परीक्षा रामपुर उपचुनाव में होनी थी, जहां आसिम राजा को जिताने की
जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर थी, जिसके लिए आजम ने टाइगर इज बैक जैसे नारे भी दिए। लेकिन जब बात वोट की कसौटी पर आई तो आजम अपने ही गढ़ में बुरी तरह हार गए। और अब सवाल बड़ा हो गया कि क्या वाकई आजम का टाइम खत्म हो गया है या फिर कुछ कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी 24 का चुनाव बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नमाज और सुंदरकांड पर विवाद जारी है। लुलु मॉल में नमाज का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ रहा है। लुलु मॉल में नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का वीडियो भी सामने आ गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ इन दिनों धर्मयुद्ध का अखाड़ा बन गया है। आलम यह है कि नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पाठ का भी वीडियो सामने आया है। लुलु मॉल के अंदर दो युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस ने इन युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। दरअसल नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आने के बाद से यह हंगामा होने लगा था और आज लुलु मॉल के बाहर करनी सेना ने सुंदरकांड के लिए पूरी जान लगा दी। घंटों तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल चला और बाद में पुलिस ने झंडा लेकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों पर काफी मुश्किल से काबू पाया। लेकिन अब इस हंगामे पर सियासी संग्राम शुरू है। ये गलत है, ये नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। इस तरह का पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ समाज के लोगों आगे पढ़ना है, आप चले जाइए। उस बराबर में कोई भी उनका जो तीर्थ स्थल होगा वहाँ चले जाइए। लुलु मॉल में नमाज पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था। इस बीच लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया, जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। दुख का विषय है कि लगातार एक धर्म के लोग सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ रहे हैं और सरासर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो आदेश है कि खुले में नमाज या पूजा पाठ सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकती है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। अब सवाल ये है कि लखनऊ में जिस तरह नमाज को लेकर वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।